नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। जनता दरबार की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। आज की चर्चा हम शेखावाटी अंचल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे पर करेंगे। पीएम मोदी का लिफाफा खाली है, मैंने खुद ने देखा है। मोदी जी के पास सिर्फ खोखली घोषणाएं हैं। प्रियंका गांधी इन दिनों जिस भी चुनावी राज्य में जाती हैं यही बात दोहराती हैं, और साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों की योजनाओं की जमकर तारीफ भी करती हैं। आज एक बार फिर से प्रियंका गांधी मोदी सरकार को ऐसी ही बातों के साथ आड़े हाथों लेती नजर आई राजस्थान के झुंझुनू। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस किसी भी स्थिति में अपने हाथ से सत्ता का नहीं खोना चाहती। अब प्रदेश में हर जिले अंचल पर कांग्रेस की जनसभाओं के दौर शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी शहीदों की धरा झुंझुनू पहुंची। प्रियंका का महज 5 दिन में यह राजस्थान का दूसरा दौरा है। इससे पहले वे दौसा जिले के सिकराय विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। प्रियंका के इस दौरे के जरिए कांग्रेस की मंशा शेखावाटी अंचल को साधने की नजर आ रही है। चलिए बात करते हैं आखिर क्या कुछ खास रहा प्रियंका की इस जनसभा में। प्रियंका गांधी ने शहीदों की भूमि झुंझुनू में एक बार फिर से केंद्र सरकार की योजना अग्निवीर को आड़े हाथों लिया। बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए प्रियंका ने कहा कि बच्चे सुबह 3 बजे उठकर दौड़ लगा रहे हैं, बदले में उन्हें 4 साल की स्कीम मिल रही है। प्रियंका ने आगे कहा कि कई बच्चे अग्निवीर योजना की एप्लीकेशन भरने तक की मना कर चुके हैं। उन्होंने यहाँ 45 सालों में देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। प्रियंका ने कहा कि जो धर्म की राजनीति चलाते हैं रोजगार को लेकर उनकी जवाबदेही खत्म हो चुकी है। प्रियंका ने यह भी कहा कि सच बोलने पर उन पर केस लगा दिए जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने इस दौरान मोदी जी पर करारा हमला किया और साथ ही खाली लिफाफे वाली बात भी कही। आइए सुनते हैं कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है, ये बात चुभ रही है इनको क्योंकि ये बात सच ही होगी। और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण, आरक्षण कब आएगा? 10 साल बाद। बिल पास हुई अभी, आरक्षण आएगा 10 साल बाद। इसका मतलब क्या है? मोदी जी का लिफाफा। हमने जाति जनगणना की बात की, इन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए बोला कि हम आगे बढ़ाएंगे, हम खूब काम करेंगे एससी एसटी ओबीसी के लिए। फिर जब हमने जाति जनगणना की बात की फिर से मुंह बंद, कुछ नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। ईआरपीसी का वादा किया, 10 साल निकल गए, बनाया उन्होंने नहीं बनाया ना। क्यों? क्योंकि मोदी जी का लिफाफा। देखिए इनके सिर्फ खाली घोषणाएं हैं, खोखली घोषणाएं हैं, खाली लिफाफे हैं। जो भी घोषणा करते हैं उसको जमीन पे उतारते नहीं है। आज कांग्रेस की सारी सरकारें जितनी भी गारंटी दी है, जितनी घोषणाएं की है, आज जमीन पर उतार रही हैं। तो प्रियंका गांधी ने यहाँ कांग्रेस की तमाम योजनाओं की चर्चा की और सीएम गहलोत के साथ ही सचिन पायलट की जमकर तारीफ भी की। प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस ने जितनी गारंटी दी है उन्हें जमीन पर उतारा है। आगे कहा है कि देश में रोजगार का सबसे बड़ा साधन पीएसयूज हैं और मोदी सरकार ने सभी पीएसयूज को अपने मित्रों को सौंप दिया है। प्रियंका ने कहा कि आज देश में सिर्फ 2 उद्योगपति पनप रहे हैं। इसी के साथ प्रियंका ने महिला आरक्षण बिल को महिलाओं का वोट बटोरने वाला और बेमानी करार दिया। उन्होंने यहां युवा, बेरोजगार, महिला और किसानों से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। साथ ही जातिगत जनगणना ईआरसीपी के मुद्दे पर मोदी सरकार की खामोशी पर भी प्रियंका ने सवाल खड़े किए। और देखिए मैं कुछ दिनों पहले सिकराई गई थी, वहां पर मैंने एक बात की, इतना भड़क गए भाजपा वाले कि मुझ पे केस भी डाल दिया उन्होंने। और मैंने बात सुनिए क्या कही थी। मैंने ये कहा था कि मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं क्योंकि टीवी पे ऐसी बातें भी होती हैं जो सच नहीं है आजकल, लेकिन मैंने टीवी पे देखा कि श्री देवनारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहां के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला?
21 रुपए निकले तो सबकी उम्मीदें कहाँ थी और निकला क्या? देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है, ये बात चुभ रही है इनको क्योंकि ये बात सच ही होगी। और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। वो कहते हैं महिलाओं आपको दबाने की कोशिश करती है और आपके भविष्य को नकारती है, सिर्फ अपनी सत्ता अपना भविष्य देखना चाहती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का संबोधन आज यहाँ के स्थानीय मुद्दों खासतौर से किसानों, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा से संबंधित रहा तो झुंझुनू के जरिए पूरे शेखावाटी पर कांग्रेस की नजर है। यह इलाका कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है और यहाँ कांग्रेस कोई चूक नहीं चाहती। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ कांग्रेस की आंधी चली थी और गत चुनावों में कांग्रेस ने शेखावाटी अंचल की 21 में से 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि भाजपा को महज 3 सीटें यहाँ मिली थी, 2 निर्दलीय और 1 सीट पर बसपा का खाता खुला था। और अगर बात की जाए झुंझुनू जिले की तो झुंझुनू में टोटल 8 सीटें हैं और उसको भी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहाँ से ब्रजेंद्र ओला विधायक है जो वर्तमान में गहलोत सरकार में मंत्री भी है। चुनावी चर्चा में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।